हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। वीडियो स्पेशली फार्मासिस्ट एग्जाम वालों के लिए, HSSC के लिए जो खास करके एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए। आप सबको पता भी होगा और न्यूज़ में भी आ जाइए। पहले तो मैं न्यूज़ वाली बात कर लेता हूँ। और आप सब ने चेयरमैन साहब के इंटरव्यू भी सुने, उन्होंने कहा था कि ये विषय जैसे जैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल डिपार्टमेंट से मिली, उन्होंने वैसा ही उनको सिस्टम को सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया और उसी हिसाब से वो जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने रेडर बैठा रखे हैं कि वो चेक करेंगे। हालांकि ये बात पता सबको है कि जो ये नए रूल बने थे, ये नया बैच जो आगे आने वाले समय में 2023-24 में जो आगे जाके पास आउट होंगे उन सब पे इम्प्लीमेंट होते हैं। पीछे वाले कैंडिडेट पे जो है, जिन्होंने डी फार्मी और बी फार्मेसी करी है, उन सब पे कैंडिडेट पे ये रूल लागू नहीं होता है। आगे आने वालों के लिए ये पता हेल्थ डिपार्टमेंट को भी है, ये HSSC को भी पता है, ये ACS को भी, सब जगह ये चीज़ें पता हैं। और मैं अब तक की बात करूंगा कि अब तक इस मामले में कहां तक रिपोर्ट पहुंची है, जैसे मुझे आप सब दोस्तों ने बताया। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे जिनके मेरे पास फ़ोन आए हैं कि हम HSSC में जाना चाहते हैं, या हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में, या जैसे ITI की बात आई है तो जो अलग अलग इशू वहाँ पर बात करना चाहते हैं। तो कई बच्चे ऐसे जो किसी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, उनका लिंक जो है, जिसके पास जो ग्रुप में जुड़े हैं वो एक बार वो लिंक शेयर कर देंगे और उसको पिन कर दिया जाएगा, ताकि एक तो आप सब इकट्ठे ग्रुप में हो जाएं तो यूनिटी की बात होगी। जो लोग जाना चाहें, जो अपनी बात रखना चाहें वो रख सकते हैं। हालांकि चीज़ें सही होनी ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन फजीहत है, आप सबको अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा। जैसे विद साहब से भी मिले हैं काफ़ी स्टूडेंट, तो उन्होंने बताया है और वो प्रोसेस एक दो दिन का समय दिया है। तो आप लोग जो हैं 25 और 26 तारीख तक वेट कर लीजिएगा, 25-26 तारीख तक, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और यहाँ पर चेयरमैन साहब का पढ़ लेते हैं जो आज न्यूज़पेपर में आया हुआ है। इस संबंध में फार्मेसी के अभ्यर्थियों की आपत्ति है, वो मुझसे मिले थे। आयोग ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। संभावना है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि शर्त आयोग की ओर से नहीं, विभाग की ओर से लगाई गई है, और विभाग ही इसे हटा सकता है। HSSC चेयरमैन का ऐसा कहना है। विभाग के महानिदेशक ने छूट के लिए पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति जताई जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक की ओर से इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है उनको पत्र लिखा है, और 2021 से पहले कोर्स करने वालों को 6 माह प्रशिक्षण में छूट देने की मांग है। पत्र में कहा गया है कि दिसंबर 2021 को फार्मासिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हुआ था, नहीं जो पहला बैच जब आगे पास आउट होगा वो 2022 में एडमिशन हुआ होगा और वो 24 में जाके पास आउट होगा, क्योंकि रूल दिसंबर 2021 के हैं और आगे जाके ये चीज़ें होंगी। और जिन्होंने, और ये रूल हमेशा ऐसा ही रहेगा कि जिन्होंने फार्मेसी जो है इस रूल के बनने से पहले करी, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा चाहे वैकेंसी 2030 में आए। ये वाले बच्चे हमेशा इसी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ पे कम्युनिकेशन का एरर रहा, जिस वजह से ये चीज़ें लागू हो गई हैं। शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया था और डी फार्मेसी की जगह बी फार्मेसी की गई है, और किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से 6 महीने का प्रशिक्षण जरूरी किया था। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने 17 दिसंबर 2021 से पहले बी फार्मेसी की है, उन्हें 6 माह के प्रशिक्षण में छूट दी गई है, ताकि वो भर्ती में शामिल हो सकें। यानी पत्राचार तो चल रहा है, तो आप 1-2 दिन का वेट और कर लीजिएगा उसके बाद। और जो भाई टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ है और व्हाट्सएप पे जुड़ा हो, वे पर कमेंट जरूर कर दें और उसके कमेंट को मैं पिन कर देता हूँ। और बहुत से ऐसे नए बच्चे जिनके मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, ताकि वो इसमें ऐड हो जाएं। और बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप अपने मतलब कि जरूरी कदम जो आपको अपने लेवल पे लगे वो आप जरूर उठाइएगा। आप जैसा दो दिन का आपको समय दिया गया है, और उसके बाद जो कार्रवाई है वो आप अपने लेवल पे जरूर करिएगा, क्योंकि जितना जल्दी हो सकेगा आप इनको ठीक करा लेंगे, उतना ही आप लोग जो है निश्चित होकर अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 256 वैकेंसीज हैं, ये बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ईजी सा टास्क है और हम लोग आसानी से कर लेंगे। टास्क इतना ईजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, इतनी संख्या में वैकेंसी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसी कैटेगरी भी हो सकती है जिनमें पोस्ट वैकेंट रह जाए कहीं, क्योंकि सीरियसनेस नहीं है बच्चों में उतना, और लोग घर बैठे ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ घर बैठे ही हो जाए हमारा, चाहे ये ठीक करवाने की बात हो, प्रोसेस की, बहुत लोग अपने आप करवा लेंगे जैसे ठीक। अरे भाई इतना बहुत लोग नहीं हैं, बहुत लोग नहीं, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर आप घर के अंदर बैठ के सब कुछ सोच रहे हैं कि हमारे लेवल से सब चीज़ हमारे तरीके से हो जाए, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आपको बाहर आके बताना पड़ेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हमारे साथ गलत हो रहा है। ये चीज़ें बाहर आके आपको बतानी पड़ेंगी। तो सब लोग एक बार ग्रुप में जुड़ जाइएगा और मैसेज कर दीजिएगा। मुझे भी नहीं पता, वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप है, नंबर मैं नीचे उनको लिंक को जो है पिन कर दूंगा उस कमेंट को, ताकि आप सब लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ पाएँ। और जो CET पास है बच्चे, उनसे संबंधित बात है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 1-2 दिन और वेट कर लीजिएगा, जैसे HSSC चेयरमैन ने भी कहा है, ACS मैडम ने भी कहा होगा और विद साहब ने भी कहा है, तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी समस्या, और नहीं तो आप लोग जो है अपना ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। आप सब आपस में कम्युनिकेट करके और आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी बात रखेंगे, पता सबको है कि भाई हाँ ये गलत हो रहा है, तो बस ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
तो आप सबको बेस्ट विशेज है, आप सब पढ़ते भी रहिएगा साथ साथ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं करना है, अब 2 दिन का समय है तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद 25-26 के बाद जो है आप देखिएगा कि नोटिफिकेशन आता है तो फिर किस तरीके से आप लोगों को अपना करना उसी के ऊपर आपको कमेंट करना है। थैंक यू।